नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट मीडिया। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 चुनी है। तो क्या होने वाली है पूरी प्लेइंग 11, बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच में खेला जाएगा और यह मुकाबला साउथहैम्पटन के मैदान पर खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, न्यूजीलैंड की टीम पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुकी थी और इस समय न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। इसका पहला मैच शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय टीम भी इंग्लैंड पहुँच चुकी है और अब भारतीय टीम 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेगी और उसके बाद दोनों टीमें 18 जून को साउथहैम्पटन के मैदान पर आमने सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 चुनी है। तो क्या होने वाली है पूरी प्लेइंग 11, आइए जानते हैं। जहां पर रवि शास्त्री के अनुसार भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग रोहित शर्मा के साथ के राहुल करने वाले हैं। इसके अलावा 3 नंबर पर चेतेश्वर पुजारा, 4 नंबर पर कप्तान विराट कोहली होने वाले हैं। वहीं 5 नंबर पर उप कप्तान अजिंक्य रहाणे होंगे। इसके बाद ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 के साथ WTC का फाइनल मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।